आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताइए नीचे कमेंट में जरूर। सो एनीवेज, सो हे व्हाट इज अप गाइस, माय नेम इज इमरान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कुछ अपने फेवरेट टेक यूट्यूबर्स के बारे में। अब वैसे अगर आपके इस वाले लिस्ट में अगर आपके कोई फेवरेट टेक यूट्यूबर को मैंने इंक्लूड नहीं किया तो आप ऑफेंड मत होइएगा, बिकॉज इट्स माई चॉइस। ओके, सो इट्स नॉट योर चॉइस, इट्स माई चॉइस। सो एंड लास्ट वाला वीडियो गाइज मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा चला गया, 300-400 व्यूज़ उस पर आ गए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे लिए 300-400 व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज अभी जिस टाइम पे मतलब कि जिस तरह मेरे चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं तो उसके हिसाब से तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। सो ऐसे ही प्यार बनाए रहिए एंड 2-3 हज़ार व्यूज़ भी हर वीडियो पे दे दिया कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ऐसे इस वाले वीडियो में जो मेरे फेवरेट टेक यूट्यूबर है, कुछ इंटरनेशनल है, कुछ इंडियंस है, सो उन टेक यूट्यूबर्स के बारे में बात करने वाला हूँ एंड मैं उन्हें क्यों पसंद करता हूँ एंड क्यों नहीं पसंद करता, क्या रीज़न है पसंद करने का, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो देखिएगा ज़रूर, एंड हो सकता है कि मैं किसी यूट्यूबर के बारे में कुछ गलत भी बोल दूँ तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज कुछ गलत तो नहीं बोलने वाला हूँ बट जो है वो बोलने वाला हूँ। सो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप छोड़ के वीडियो को जा सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपने सबसे पहले फेवरेट टेक यूट्यूबर की, सो वो है गाइस नन अदर देन मार्कस ब्राउनली। अब इनको सभी लोग जानते हैं, बिकॉज जो भी बंदा टेक में इन्वॉल्व है अगर उसको टेक से बहुत ही ज़्यादा लगाव है तो डेफिनेटली वो MKBHD को तो डेफिनेटली जानता ही होगा, बिकॉज ये एक ऐसा नाम है जो कि टेक यूनिवर्स का सबसे बड़ा नाम है। सो वैसे मैं भी इनके बहुत सारे सभी वीडियोस ऑलमोस्ट देखता हूँ एंड मुझे मैं बहुत और ये जो है इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बिकॉज ऐसे ही नहीं ये वर्ल्ड के सबसे बड़े टेक यूट्यूबर एक हिसाब से कहलाते हैं, बिकॉज इनके पास नॉलेज ही बहुत ज़्यादा है एंड बहुत ही कम एज से ये वीडियोस बनाते आ रहे हैं। एंड वैसे इनकी वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एंड हर वीडियो में मतलब कि बहुत ही अच्छे से समझाते हैं एंड सभी को एकदम फैक्ट जो होता है वो रियल बताते हैं, यानी कि एकदम बायस नहीं होते, ऑनेस्ट होते हैं अपने कंटेंट में एंड उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मुझे इनका कंटेंट अच्छा लगता है एंड डेफिनेटली जो भी टेक में इन्वॉल्व है उनको इनका वीडियोस पसंद आता ही आता है। सो ये उनके नंबर वन लिस्ट में होते ही होते हैं। सो उस हिसाब से मैं भी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, इनकी वीडियोज़ भी काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ, तो मेरे हिसाब से MKBHD मेरे सबसे फर्स्ट अगर मैं टेक की बात करूँ तो मैं सबसे पहले इन्हीं का वीडियो देखना पसंद करता हूँ। अब गाइस, जो मेरे सेकेंड इंटरनेशनल फेवरेट यूट्यूबर है वो है अरुण, आई थिंक अरुण मैन इनका फुल नेम है एंड इनके चैनल का नाम तो पता ही होगा, मिस्टर हु इज़ द बॉस इनके चैनल का नाम है एंड इनके एक्सेंट गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इनका जो बात करने का लहजा है वो डिफरेंट है। अब बात अलग है कि मुझे समझ नहीं आती, वो बात अलग है, बट फिर भी थोड़ा समझने में टाइम लगता है बिकॉज इनके एक्सेंट थोड़ी सी मुझे अलग लगती है, यानी कि बाकी सभी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है एंड समझने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है कि क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल में क्या बता रहे हैं, बट ओवरऑल जो भी इनकी वीडियोस होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है एंड काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ, थोड़ी सी लंबी होती है बट ओवरऑल इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होती है एंड या ये भी मेरे फेवरेट टेक यूट्यूबर। अगर मैं बात करूँ अगर मैं कोई इंटरनेशनल यूट्यूबर्स को देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों यूट्यूबर को देखता हूँ, एक तो है मार्कस ब्राउनली सर जो कि MKBHD है एंड एक है मिस्टर हु इज़ द बॉस। सो ये दोनों फेवरेट मेरे इंटरनेशनल टेक यूट्यूबर्स हैं। सो फॉरनर टेक यूट्यूबर्स की तो बात होगी, अब अगर मैं इंडियन टेक यूट्यूबर्स की बात करूँ कि मैं किसको अपना आइडल मानता हूँ, किसको मैं फॉलो करता हूँ एंड किसकी वीडियोज़ मुझे देखना पसंद है अगर मैं इंडियन टेक यूट्यूबर की बात करूँ, सो यहाँ पे मेरे दो सबसे फेवरेट टेक यूट्यूबर हैं एंड दोनों का बताने का अलग बिल्कुल डिफरेंस है, एक बहुत ही डिफरेंस है एंड एक का बहुत ही डिफरेंस है। अब यहाँ पे सबसे जो मेरा इंडिया का सबसे फेवरेट जो टेक यूट्यूबर है वो है श्लोक श्रीवास्तव। अब नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये बंदे कौन है, बिकॉज इनको बटर चिकन से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। अब इनका तरीका ये है कि सभी जो इंडिया के टेक यूट्यूबर है वो सभी लोग आपको अगर खिचड़ी खिलाते हैं तो ये जो बंदा है उस खिचड़ी में आपको घी डाल के, एक अचार डाल के, खूब मिर्च मसाला डाल के आपको परोसता है, जिसकी वजह से आपको सादी खिचड़ी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने लगती है। सो इनका काम कुछ ऐसा ही है, बिकॉज मैं भी पर्सनली इनके काम को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज जिस तरह से ये प्रेजेंट करते हैं अपने वीडियो में जो भी प्रोडक्ट होता है, टेक तो इनके वीडियो में
वैसे तो इनका चैनल टेक का है, बट इनके चैनल इनका जो वीडियोज होता है उसमें टेक, मेरी ज़्यादातर ऑडियंस यही कहती है कि इनके टेक में 10% इनके वीडियोज में 10% टेक है एंड 90% ह्यूमर है एंड कॉमेडी है। एंड वैसे उस हिसाब से गाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा टेक बर्नर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड इनके मैं वीडियो नोटिफिकेशन आते ही मैं क्लिक करता हूँ। सो मुझे ये वाले यूट्यूबर मतलब मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड डेफिनेटली इनके बात करने का अंदाज़ भाई ज़बरदस्त है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सादी खिचड़ी को भी एक मज़ेदार मसालेदार खिचड़ी बना के प्रेजेंट करते हैं। सो मुझे इनका ये वाला लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अब जो मेरे सेकेंड इंडियन फेवरेट टेक यूट्यूबर है उनका नाम है राकेश। अब ये जो बंदे हैं इनको बहुत सारे लोग मे बी नहीं जानते होंगे बिकॉज अभी उतना बड़ा चैनल नहीं हुआ, बिकॉज इनके 400 या 500 होने वाले सब्सक्राइबर। एंड इनका नाम है राकेश एंड इनका चैनल का जो नाम है वो है ज्ञान थेरेपी। या ज्ञान थेरेपी इनके चैनल का नाम है। एंड इनको मैं फॉलो क्यों करता हूँ बिकॉज 5-6 महीने पहले मैंने इनके चैनल को विजिट किया था एंड इनका कंटेंट गाइस ये बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदे, यानी कि इनकी बात जो होती है वो बिल्कुल ही फैक्ट होती है, यानी कि जो रियल है वो ही ये बात करते हैं वीडियोस में। अब गाइस इनका क्या है कि इनकी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती बिकॉज जैसे अदर क्रिएटर्स की बात करूँ सो उनकी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी वीडियोज होती है, तो इनकी वैसी उतनी हाई क्वालिटी वीडियोज नहीं होती, बट जो इन्फॉर्मेशन होती है जो नॉलेज ये देते हैं उन सभी यूट्यूबर से काफ़ी ज़्यादा बेटर इनकी वीडियोस में नॉलेज होती है एंड एक सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी फ़ोन का रिव्यू करते हैं सो बहुत ही सही तरीके से, यानी कि आपको बहुत ही सही नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि बायस्ड हो गया या फिर ऐसे ही बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये अपने वीडियो में जो भी बताते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही मुझे लगता है एंड मे बी सब इनके जितने भी व्यूअर्स हैं वो इनको इसीलिए पसंद करते हैं बिकॉज ये बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से अपने वीडियोज में बात करते हैं एंड बहुत ही ऑनेस्टी से किसी भी वीडियोस को बनाते हैं एंड उसको आपको प्रेजेंट करते हैं। सो उस वजह से मुझे इनके जो कंटेंट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। एंड वैसे बहुत ही बड़े बड़े और भी यूट्यूबर है जैसे ट्रैक एंड टेक हो गया, टेक्नोरोहेज हो गया, टेक्निकल दोस्त हो गया, टेक बार हो गया एंड और भी बहुत सारे हैं, टेक्नोलॉजी ज्ञान हो गया, बट ये लोग क्या है कि ये लोग सिर्फ अभी बात करूँगा तो बट ज्ञान थेरेपी की अगर मैं बात करूँ तो ज्ञान थेरेपी की अगर आप चैनल को विजिट करते हैं तो उनका कंटेंट आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा अगर आपको सही चीज़ देखना पसंद है तो। एंड अब वैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई टेक्निकल गुरुजी इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर है, इवन बहुत सारे फॉरनर यूट्यूबर को भी सब्सक्राइबर के मामले में ओवरपास कर दिया है, बट गाइज यहाँ पे मैं भी टेक्निकल गुरुजी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, बट गाइज अभी के टाइम पे क्या है कि अभी के टाइम पे गुरुजी एक अच्छे यूट्यूबर है डेफिनेटली बिकॉज तभी इतने बड़े वो मुकाम पे अभी पहुँचे हुए हैं एंड उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट गाइज अभी के टाइम पे ज़्यादातर वो जो भी कॉन्टेंट डालते हैं यानी कि सिर्फ डब्बा खोल देते हैं एंड मेरे हिसाब से ठीक है डब्बा खोलते हैं वो कंपनी उनको कहती है, बट अगर आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं एंड अगर आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो कि आप सिर्फ डब्बा खोल रहे हैं, आप अपना कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहे उस प्रोडक्ट पे या फिर उस चीज़ पे, आप कोई अपना सजेशन नहीं दे रहे, सिर्फ आप जीएसएम अरेना के स्पेक्स आप बता रहे हैं एंड सिर्फ डब्बा खोल रहे हैं, तो मतलब क्या बनता है? अगर मुझे डब्बा ही देखना है तो ऐसा काम तो मैं भी कर सकता हूँ, यानी कि और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप इतने बड़े चैनल में बैठे हुए हैं एंड अगर आप प्रॉपर एक उस जो भी प्रोडक्ट आप रिव्यू कर रहे हैं, सॉरी रिव्यू तो ये करते नहीं हैं, सबसे पहले सिर्फ डिब्बा खोलते हैं एंड आपको स्पेक्स बता देते हैं एंड उसके बाद चले जाते हैं। एंड वैसे टेक न्यूज़ वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी ये अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज सिर्फ अनबॉक्सिंग में डिब्बा खुलता है, स्पेक्स बताई जाती है एंड उसके बाद ना कोई सजेशन ना कोई ओपिनियन कि क्या है क्या नहीं, कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। पहले ऐसा था बट जैसे जैसे सक्सेस मिली उसके बाद ये सभी चीज़ें ख़त्म हो गई, अब सिर्फ डब्बा खुलता है एंड स्पेक्स बताई जाती है। अब यहाँ भी एक बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, अभी कुछ दिनों पहले गुरु जी ने जैसे कि शाओमी के साथ एक काम हुआ था कि इनके ऊपर मी ब्राउज़र में थोड़ी सी प्राइवेसी इशूज़ की थोड़ी सी बात हुई थी, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको मतलब निपटा दिया, यानी कि टेक बार ने भी कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, टेक्नोरोहेज ने भी कहा कि नहीं हमें ट्रस्ट करना चाहिए, ट्रैक एंड टेक ने भी कहा कि नहीं हमें ट्रस्ट करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे कुछ वेल नोन चेहरे हैं इंडियन की तरफ से मनु कुमार जैन जैसे, बट उसके बाद जब उन्होंने उस चीज़ पे स्टैंड लिया तो मेरे अंदर उनके लिए और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई, बिकॉज वो जानते थे कि अगर मैं इनके बारे में कुछ बोलूँगा तो मे बी आने वाले समय में प्रोडक्ट वगैरह ना मिले। वैसे उनका इतना बड़ा चैनल है कि अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड को प्रोडक्ट नहीं मिलते तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी उन्होंने स्टैंड लिया एंड उन्होंने सच का साथ दिया तो मेरे लिए उनके मेरे अंदर उनके लिए और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई।
बट यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपका इतना बड़ा चैनल है तो मे बी आपको थोड़े से एडवाइस वगैरह देने चाहिए, आपको सिर्फ डब्बा खोल के चले नहीं जाना चाहिए, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, आपको उसकी नेगेटिव पॉइंट को बताना चाहिए, उसके पॉजिटिव पॉइंट को भी बताना चाहिए, यानी कि सभी चीज़ों को आपको रखना चाहिए, जैसे कि छोटे यूट्यूबर्स रखते हैं सभी चीज़ों को कंपेयर करते हैं एंड फिर आपको सजेशन देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको भी जैसे इतने बड़े यूट्यूबर है तो उनको भी वो करना चाहिए। अब वैसे मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही बड़े आदमी हैं एंड बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनका बिजनेस भी है, दो वीडियोस भी डालते हैं, दो चैनल भी है, बट ओवरऑल आपका मेन चैनल वो है एंड उस पर आपकी जब इतनी भारी ऑडियंस है तो आपको मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। अब वैसे ये वाला वीडियो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चला गया एंड उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एंड अगर आप टेक्निकल गुरुजी के बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले फ़ैन हैं एंड आपको इन सभी बातों को सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा अगर लगा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, एंड बहुत ही बुरा लगा है तो आई डोंट केयर, दैट्स इट। सो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड अगर आपके भी फेवरेट कोई यूट्यूबर हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। एंड जो भी मेरे फेवरेट यूट्यूबर है उनकी जो लिंक है देने की मुझे ज़रूरत नहीं, बिकॉज मैं कौन होता हूँ उनकी लिंक्स देने वाला, उनको आप डायरेक्टली जानते ही होंगे। सो वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। एंड तब तक के लिए बाय बाय, पीस। हाँ, अब गाली पड़ने वाली है, अगर ये वीडियो चला जाता है 2-3 हज़ार व्यूज़ तब तो गाली पड़ेगी ही पड़ेगी, पक्का 100% पड़ेगी।